स्टूडेंट ऑफ क्लास टू बच्चों, आज हम मैथ्स पढ़ेंगे और आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 3.7 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आप अपने बुक को जो है बुक में 3.7 को ओपन कर लीजिए। आपका पेज नंबर है 51। तो क्वेश्चन नंबर वन है, देयर आर 169 फ्लावर्स इन अ गार्डन। के गार्डन में इतने फ्लावर्स हैं। देयर गार्डनर प्लांटेड 76 मोर फ्लावर्स। और वहाँ पे एक गार्डनर है इसके, और वहाँ पे कितने और ज़्यादा फ्लावर्स हैं, 76 फ्लावर्स। तो हाउ मेनी फ्लावर्स आर नाउ इन द गार्डन, यानी अब उस गार्डन में कितने फ्लावर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 × 10 = 100 में आप इसे कीजिएगा 169 और यहाँ पे क्या 76। तो 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 का 5 1 कैरी रहेगा यहाँ पे। 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 1 14, 14 का 4 1 कैरी, 1 और 1 2। क्वेश्चन नंबर टू है, सूरज रीड 176 पेजेस ऑफ अ नॉवल इन 1 week एंड 138 पेजेस इन अनदर वीक। हाउ मेनी पेजेस ही रीड इन ऑल। क्या करता है वो, पहला डे जो है इतने पेजेस वो जो है रीड करता है, ठीक है, 1 week में। और सेकेंड वीक में वो क्या करता है, अनदर वीक वो इतना 138 पेजेस जो है वो रीड करता है, ठीक है। तो वह टोटल कितने पेज रीड करता है, तो आप इसको ऐड कीजिएगा 176 और 138। तो क्या है, 6 और 8 14, 14 का 4 1 कैरी, 7 और 3 10, 10 1 11 का 1 1 कैरी, 1 और 2 2 और 1 3 तो 314। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन अ विलेज देयर आर 376 मेल्स, 249 फीमेल्स एंड 124 चिल्ड्रन। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द विलेज, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक विलेज गांव है जिसमें इतने आदमी हैं, इतने औरतें हैं और इतने बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल मिलाकर वहाँ पे कितने लोग हैं उस गांव में। तो देखिए यहाँ पे आपका जो बना गया है जो कॉलम है, इसमें आपका देखिए एक कम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और एक कॉलम बनता जिसमें यहाँ पर नहीं बना हुआ, तो मैंने इसे यहाँ डन नहीं किया है। तो आप क्या कीजिएगा, इसे आप ऐड कीजिएगा, आप इसको कॉलम बनाइएगा, अच्छे से इसे बनाइएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब है, नाउ डू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको नोटबुक में बनाना है। पहला है, अ पोल्ट्री फार्म सोल्ड 384 एग्स ऑन मंडे। एक पोल्ट्री फार्म है जिसमें मंडे को इतना एग्स जो है वो बेचता है, और 265 एग्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को इतना एग्स वो बेचता है, एंड 318 एग्स ऑन वेडनेसडे, और वेडनेसडे को वो इतना एग्स बेच देता है। हाउ मेनी एग्स वेयर सोल्ड इन ऑल द 3 days। तो तीनों दिन वो अंडा बेचता है, तो वो तीनों दिन में कितना अंडा बेचता है, तो आपको निकालना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इन तीनों का आप ऐड कर दीजिएगा, ओके स्टूडेंट। मैंने आपको एडिशन तो बता ही दिया है। क्वेश्चन फाइव है, इन अ ट्रेन देर आर 267 पैसेंजर्स, 345 मोर पैसेंजर्स बोर्डेड, ठीक है। द ट्रेन, हाउ मेनी पैसेंजर्स आर देयर इन द ट्रेन नाउ, ठीक है। एक पैसेंजर एक ट्रेन में है 267 और इतना पैसेंजर बोर्डेड द ट्रेन है, ठीक है। तो हाउ मेनी पैसेंजर देयर इन द ट्रेन, देयर ट्रेन नाउ, तो यानी अब उस ट्रेन में कितने लोग हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसे ऐड कीजिएगा स्टूडेंट्स, और ऐड करके आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इससे कमेंट भी कीजिएगा, मैं आपको इसको फिर से बता दूँगी, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का इसका जो वर्ड प्रॉब्लम है हम कम्प्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा, ओके स्टूडेंट्स।